क्या आपके भी बाल टूटते हैं, झड़ते हैं, बालों की लंबाई अच्छी नहीं है? अगर ये आपकी समस्या है तो चलिए आइए आज आपको एक बहुत ही असरदार नुस्खा बताता हूँ, जिसका प्रयोग करके आप अपने बालों का टूटना झड़ना रोक सकते हैं। साथ ही साथ इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपके बालों की लंबाई भी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। इस नुस्खे में हम जो चीजें इस्तेमाल करेंगे बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगी, तो चलिए एक एक करके इनकी पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली चीज जो मैंने यहाँ पर ली है वो है ककड़ी। और बता दूं, इसका इस्तेमाल अगर आप बालों की जड़ों पर सही तरीके से करते हैं तो ये बालों की ग्रोथ करने में आपकी मदद करती है। साथ ही साथ जिन लोगों को बालों की जड़ों में डैंड्रफ की समस्या रहती है, उन लोगों के लिए ये ककड़ी काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो सबसे पहले ककड़ी को इस तरीके से लेकर के आपको इसे इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है। जब इस तरीके से आप इसे कद्दूकस कर लें तो इसे इस तरीके से पूरा हाथों में लेकर के इसे आपको इस तरीके से प्रेस करना है, मतलब दबाना है। और जब आप इस तरीके से दबाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो रस है वो पूरा इस तरीके से निकल जाएगा। ये जो रस होगा दोस्तों, ये कम से कम 2 से 3 चम्मच होना चाहिए और उस हिसाब से ही आपको जो है इसका इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से दबा करके इसका पूरा रस आप निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगली चीज जो मैंने ली है वो है चाय पत्ती। और बता दूं, चाय पत्ती बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है, साथ ही साथ बालों को काला करने में हमारी मदद करती है। ये एक नेचुरल, आप कह सकते हैं, बालों को काला करने का तरीका है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर कम से कम 1 से 1.5 चम्मच के करीबन चाय पत्ती लेनी है और इसे आप अच्छी तरीके से पीस करके इसका पहले आप पाउडर बना लीजिए। आप चाहे तो इसे पीस सकते हैं या फिर इस तरीके से कुटनी की सहायता से कूट भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो है इसे अच्छी तरीके से कूट लिया है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसका पाउडर बन के भी तैयार है। यहाँ पर जो हमने ककड़ी का रस निकाला था, अब हम इसे ले लेंगे और यहाँ पर जो हमने ये पाउडर बनाया है, इस पूरे पाउडर को हमको इस पर इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए, अब इन्हें डाल लेने के बाद एक चम्मच की सहायता से हम इन दोनों को पहले आपस में अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब जब आपने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया तो यहाँ पर आपको तीसरी चीज़ जो इस्तेमाल करनी है वो है एलोवेरा जेल। आपको यहाँ पर 1 चम्मच एलोवेरा जेल इस पर डाल देना है। अगर आपको नेचुरल मिल जाए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये जो एलोवेरा जेल है ये भी काम में आ जाएगा। इस तरीके से लेकर के इसे भी आपको इसमें अच्छी तरीके से मिला देना है। वैसे इसकी खुशबू उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करने से रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिल सकता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको जो है अपने बालों की जड़ों को, बालों को अच्छी तरीके से साफ करना है। उसके बाद इस रेमेडी को इस तरीके से लेकर के अपने हाथों पर आपको बालों की जो जड़ें हैं पहले वहाँ पर अच्छी तरीके से इसे लगाना है और कुछ देर आपको इस तरीके से लगाते हुए आपको मसाज भी करनी है। जब आप इसे इस तरीके से बालों की जड़ों पर लगाएंगे तो ये जो रेमेडी है ये जड़ से काम कर पाएगी। उसके बाद बाकी बची पूरी रेमेडी को आप अपने पूरे बालों पर अच्छी तरीके से लगाइए और लगा करके आपको इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे तक इसी तरीके से आप छोड़ देंगे और उसके बाद जब ये पूरी रेमेडी सूख जाए तब आप अपने बालों को जो है साफ कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई केमिकल फ्री शैम्पू भी यूज कर सकते हैं अपने बालों को साफ करने के लिए, वो भी चल जाएगा। हफ्ते में 3 बार और अगले 2 महीने तक अगर आप इस नुस्खे का प्रयोग करते हैं तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके बाल टूटने की जो समस्या है वो तो शुरुआती 7 दिनों में ही ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ जो बाल आपके छोटे हैं वो भी लंबे होने लगेंगे। बस आपको इसका जो है जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको यूज करते रहना है। आशा करता हूं कि आयुर्वेद टीवी का आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था, मैं आपसे मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।